हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम डाइजेशन है। आप सारे लोग डाइजेशन से पहले ही कुछ कुछ जानकारी आपको क्लास टेंथ में रही होगी, लेकिन हम आपको बताएं कि क्लास टेंथ से क्लास इलेवेंथ में डाइजेशन का जो लेवल है काफी हाई है। हमें सब कुछ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो डाइजेशन के इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। डाइजेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रही, सारे लोग जानते हैं आप। मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होती है, एक एनाबॉलिज्म होती है, एक कैटाबॉलिज्म होती है। तो बॉडी में जहां कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं, और बॉडी में जहां डिस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसे हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं। इस दुनिया के जितने भी जीव हैं, सारे जीवों की जो नीड है, वो बेसिक नीड जो है वो फूड है। एनसीईआरटी ने सबसे पहले ये बात लिखी है। सबसे पहले एनसीईआरटी ने ये कहा, ये देखिए, फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ, बेसिक नीड या नेसेसिटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव हैं, सारे जीवों की जो रिक्वायरमेंट है वो फूड है। फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आखिर ये फूड हमारी बॉडी को प्रोवाइड क्या कराता है? ये बॉडी को एक तो ऑर्गेनिक मटेरियल देता है। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब इससे बॉडी को ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में एटीपी बनती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। बॉडी में ये रिपेयरिंग का काम करता है। कहीं पर भी कोई चोट लगी है तो उसके लिए प्रोटीन रिपेयरिंग का काम करती है, और ये बॉडी में ग्रोथ का काम कराता है। मतलब बॉडी के, एनसीईआरटी ने लिखा है कि फूड का बॉडी में तीन फंक्शन है। एक तो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड कराता है, रिपेयरिंग का काम करता है, और ग्रोथ का काम करता है। ये फूड जो दिया गया है, हम लोग जो खाना खाते हैं, अगर हम लोग डाइजेशन की डिफिनेशन देखें तो डाइजेशन जो है, ये देखिए, कॉम्प्लेक्स डाइजेशन की अगर डिफिनेशन देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल जो मैक्रोमालिक्यूल्स हैं, जिनकी साइज काफी बड़ी है, कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मैक्रोमालिक्यूल्स हैं, ये डाइजेशन, इन्हें डाइजेशन प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स है वो सिंपल हो जाते हैं। और ये देखिए, जहां इनसॉल्युबल लिखा है वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मतलब डाइजेशन एक स्टेप है, एक प्रोसेस है, जिसमें जो कंप्लीट इनसॉल्युबल जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मैक्रोमालिक्यूल्स हैं, जो फूड हम लोग ले रहे हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल यहाँ जो सॉल्युबिलिटी का रिस्पेक्ट है वो ब्लड से है। जैसे जो हम लोग खाना खाते हैं, उस खाने में देखिए, एक तो होता है स्टार्च, ये देखिए, रोटी हो गई, चावल हो गया, ये जो चीजें हैं ये स्टार्च है। ये जो स्टार्च है ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसका जो सिंपल फॉर्म है ये है ग्लूकोज। ये देखिए, स्टार्च का जो सिंपल फॉर्म है वो है ग्लूकोज। तो देखिए, यहाँ कॉम्प्लेक्स लिखा है, इसका मतलब यहाँ ये स्टार्च हो गया, इनसॉल्युबल है। अगर आप स्टार्च को ब्लड में मिक्स करना चाहें, नहीं मिक्स होगी क्योंकि स्टार्च के मॉलिक्यूल्स की साइज बड़ी है। और यहाँ देखिए, सिंपल सॉल्युबल, अब ये जो ग्लूकोज है ये ब्लड में सॉल्युबल है। आप जानते हैं कि ब्लड जो है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। इसी तरह से देखिए, ये प्रोटीन्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है और इनसॉल्युबल है। डाइजेशन के दौरान ये जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ब्लड जो होता है वो अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, लेकिन ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। इसकी डिफिनेशन अगर आप देखें तो डाइजेशन प्रोसेस में होता कुछ नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मैक्रोमॉलिक्यूल्स है वो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे ब्लड एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये देखिए, स्टार्च इसमें कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन इसमें कन्वर्ट होती है अमीनो एसिड में, और ये आप एक तीसरा नाम देखिए, जो फैटी एसिड है, जो हम लोग फैटी एसिड फूड में ले रहे हैं, ये देखिए, ये फैट चल रहे हैं, ये जो फैट ले रहे हैं फूड में, ये देखिए, ये कन्वर्ट हो रही है फैटी एसिड में प्लस ग्लिसरॉल में। मतलब अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो
डाइजेशन में कुछ हो नहीं रहा, जो हम लोग खाना खा रहे हैं उस खाने में स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है, और इनका ये जो स्टार्च, प्रोटीन और फैट है, ये कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। देखिए नीचे लिखा हुआ है, और डाइजेशन प्रोसेस में जो एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड ग्लिसरॉल हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इसके सिवा हमें और भी क्या चाहिए डाइजेशन प्रोसेस में, हमें अपने सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए विटामिन्स चाहिए, हमें वाटर चाहिए, और हमें मिनरल्स चाहिए। इतनी चीजें चाहिए हमेशा हम लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए। तो जो फूड ले रहे हैं उस फूड में स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है। स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रही है, फैट फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रही है। इसके सिवा हमें विटामिन चाहिए, वाटर चाहिए, और क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। ये सारे लोग मिलके हमारी बॉडी में तीन बड़े काम परफॉर्म करते हैं, रिपेयरिंग का, ग्रोथ का, और आर्गेनिक मटेरियल हमें प्रोवाइड करते हैं। ये जो आप डाइजेशन देख रहे हैं कि स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुई, फैट फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुई, इसके लिए हमें दो तरह की मेथड ऑफ डाइजेशन चाहिए। अगर आप देखें तो जो मेथड ऑफ डाइजेशन है, मतलब जो मेथड ऑफ डाइजेशन है वो दो तरह का है। मतलब ये जितने भी कन्वर्जन आप देख रहे हैं ये दो तरह का है। पहला जो डाइजेशन है उस डाइजेशन को हम लोग मैकेनिकल कहते हैं। मैकेनिकल मतलब ये हुआ कि इसमें बड़ी साइज के पार्टिकल को ग्राइंड करके छोटी साइज में कन्वर्ट किया जाता है। हमारे जो दांत हैं वो यही काम करते हैं, जब हम भोजन को पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो उस डाइजेशन को मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, जिसमें ये देखिए साइज का डिफरेंस आता है। ये देखिए कोई लार्ज साइज की चीज है, लार्ज साइज की चीज है तो वो स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो जाती है। ये जब किसी चीज की साइज कम होगी तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो मैकेनिकल डाइजेशन का काम कौन करता है, अगर आपसे कोई पूछे तो मैकेनिकल डाइजेशन का काम हमारे दांत करते हैं। और होता क्या है, रोटी क्या है, रोटी का जब हम लोग दांत से पीसते हैं तो वो जो डाइजेशन होता है वो मैकेनिकल डाइजेशन होता है। कैसा डाइजेशन होता है, मैकेनिकल डाइजेशन। और जब उस पर एंजाइम्स काम करते हैं, जब एंजाइम्स काम करते हैं तो इस तरह के डाइजेशन को हम लोग बायोकेमिकल डाइजेशन करते हैं। ये देखिए बायोकेमिकल डाइजेशन कहते हैं, मतलब बायोकेमिकल डाइजेशन वो डाइजेशन है जिनमें एंजाइम्स काम करते हैं। ये देखिए तो मतलब बॉडी में दो तरह के डाइजेशन हो रहे हैं। दांत जब किसी चीज को पीस रहा है तो उसे मैकेनिकल डाइजेशन कह रहे हैं, और जब उस पर एंजाइम्स काम कर रहे हैं तो उसे बायोकेमिकल डाइजेशन कहते हैं। इन दोनों डाइजेशन का जिक्र एनसीईआरटी ने किया हुआ है। ये देखिए तो ये जो आप खाना खा रहे हैं स्टार्च प्रोटीन फैट, इनका कन्वर्जन ग्लूकोज अमीनो एसिड फैटी एसिड ग्लिसरॉल में हो रहा है। इसके लिए दो लोग जिम्मेदार हैं। टीथ अगर बड़ी साइज के फूड को ग्राइंड करके छोटी साइज में कन्वर्ट कर रहा है इसे मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। और ये देखिए अगर एंजाइम्स काम करते हैं तो इसे हम लोग बायोकेमिकल डाइजेशन कहते हैं। मतलब दो मेथड है जिसके द्वारा डाइजेशन होता है। इन दोनों मेथड को समझना है आपको, मैकेनिकल डाइजेशन टीथ के द्वारा, बायोकेमिकल डाइजेशन एंजाइम्स के द्वारा होता है। ये देखें अगला जो आपको पढ़ना है, हमें ये देखना है कि पूरे एनिमल किंगडम में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरीके के हैं, मतलब एनिमल के खाने के तरीके क्या क्या हैं, हमें इस टॉपिक में ये सीखना है। थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दें और सीखें कि पूरे एनिमल किंगडम में खाने के कितने तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है उस तरीके को हम लोग कहते हैं होलोफिटिक न्यूट्रिशन। ये देखिए ये पहला तरीका है होलोफिटिक न्यूट्रिशन। ये आपने नाम टर्म भी सुना होगा कि होलोफिटिक न्यूट्रिशन अक्सर आप सुनते हैं। तो होलोफिटिक न्यूट्रिशन माने ये हुआ, अगर इसको सिंपली हम लोग क्लासिफाई करें, क्लियर करें, इसका मतलब होता है प्लांट लाइक न्यूट्रिशन। ये देखिए प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, जब प्लांट जैसा न्यूट्रिशन होता है, मतलब प्लांट कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और प्लांट लाइक न्यूट्रिशन को हम लोग होलोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये देखिए दैट इज, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि सर ये जो न्यूट्रिशन है इसे हम लोग कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस से एनर्जी गेन करना, ये पहला तरीका होता है। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग होलोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा जो न्यूट्रिशन है उसे हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं।
होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन अगर हम लोग देखें, ये तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमें ये देखना है कि इसकी सिंपल सी मीनिंग अगर देखा जाए तो हम लोग इसे कहते हैं भाई देखिए ये एनिमल लाइक न्यूट्रिशन है, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन है। हम लोगों का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है, हमारा जो डाइजेशन है वो होलोजोइक है। तो ये दूसरा न्यूट्रिशन है जिसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ये एनिमल लाइक न्यूट्रिशन इसकी मीनिंग हुई। अगर आप इस न्यूट्रिशन के स्टेप को देखें तो जो सबसे पहला इसका स्टेप होता है उस स्टेप को हम लोग इंजेशन कहते हैं। इंजेशन मतलब ये होता है जब फूड का इंटेक होता है, मतलब अगर आपने खाना उठाकर अपने मुंह में रखा तो आपने पहली प्रक्रिया परफॉर्म कर दी जिसे इंजेशन कहते हैं। चाहे आप चाकू से रखें, चाहे फोर्क से रखें, चाहे हाथ से रखें, नेचर ने इंजेशन के लिए आपको हाथ दे रखा है, अंगुलियां दे रखी हैं, चम्मच दे रखा है कि आप इंजेशन करें। इस मतलब इसका सिंपल सीधा मीनिंग है इनटेक ऑफ फूड, एक सिंपल सी मीनिंग है कि इसका मतलब ये हुआ कि इनटेक ऑफ फूड, अगर आप भोजन को खाते हैं तो इसे हम लोग इंजेशन कहते हैं। जब भोजन आप खा लेते हैं उसको निगल लेते हैं तो ये फूड जो है इंटेस्टाइन में जाता है और इसका तब डाइजेशन होता है। डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म से सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है। जब ये डाइजेस्ट हो जाता है तो ब्लड के द्वारा इस फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण होता है, डाइजेशन माने पाचन होता है। जब एब्जॉर्प्शन होता है तो ब्लड इसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। जब ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो इसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। और जो बेकार चीजें हैं, बेकार मतलब जो अनडाइजेस्टेड चीजें हैं, उन्हें बॉडी रिमूव करके मतलब मूव बाहर कर देती है। इस प्रक्रिया को इजेशन कहते हैं या इसी प्रक्रिया को डिफिकेशन कहते हैं। तो अगर आप देखें तो जो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन है, इस न्यूट्रिशन के टोटल स्टेप हो गए 5। पहला स्टेप हो गया इंजेशन जिसमें खाना खाया जाता है, डाइजेशन जिसमें कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फॉर सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एब्जॉर्प्शन सिंपल सॉल्युबल फॉर्म को ब्लड एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंपल सॉल्युबल फॉर्म इनटू एंटायर बॉडी बाय ब्लड, और इंजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड चीजों को जब बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है तो इस स्टेप को हम लोग इंजेशन कहते हैं। तो टोटल स्टेप जो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का वो टोटल होता है 5। ये देखिए इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन, हम लोग 5 स्टेप फॉलो करते हैं। खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, ब्लड एब्जॉर्ब करता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, और बेकार चीजें जो है वो डिफिकेट कर दी जाती हैं, अनडाइजेस्टेड अनवांटेड नहीं। अगर अनवांटेड होगा तो एक्सक्रीशन होगा, अनडाइजेस्टेड होगा तो इजेशन होगा। इसका तीसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा अगर आप देखें, इसका जो तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये देखिए इसका जो तीसरा टाइप है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन को हम लोग मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मिक्सोट्रॉपिक मतलब ये हुआ कि देखिए बोथ होलोजोइक एंड होलोफिटिक न्यूट्रिशन, बोथ होलोजोइक एंड होलोफिटिक न्यूट्रिशन, मतलब इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो एनिमल लाइक और प्लांट लाइक दोनों न्यूट्रिशन करते हैं। होलोजोइक मतलब क्या हुआ, एनिमल लाइक, होलोफिटिक माने क्या हुआ, प्लांट लाइक। एग्जांपल देखिए आपको मजा आएगा। ये देखिए पहला एक एनिमल है जिसका नाम युगलीना है, कभी शायद आपने छोटी क्लास में सुना होगा इसका नाम। ये युगलीना जो है सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है। जब सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है तो होलोफिटिक हुई, और जब सनलाइट नहीं होती है तो ये भोजन को कैप्चर करके खाता भी है। क्यों, इसीलिए इस युगलीना को अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक है ये देखिए बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल्स के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है, प्लांट एंड एनिमल्स। ये देखिए प्लांट और एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस करता है, सनलाइट की एब्सेंस में एनिमल जैसा न्यूट्रिशन लेता है। इसी तरह से आप ये देखिए, शायद आपने कभी नाम सुना होगा, ये प्लांट है इसका नाम क्या है, नेपेंथीज है। देखिए
ये नेफिंथीज है, ये देखिए एक प्लांट है जिसका नाम ड्रोसेरा है, ये देखिए एक प्लांट है जिसका नाम यूट्रिकुलेरिया है, ये सारे प्लांट हैं और ये सारे प्लांट भी मिक्सोटॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो इन सारे प्लांट्स को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो अगर सनलाइट प्रेजेंट होती है, सब चीज बात को सनलाइट प्रेजेंस होती है तो ये प्लांट्स जो हैं, ये जो प्लांट्स हैं सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं और सनलाइट की एब्सेंस में हम लोगों जैसा न्यूट्रिशन करते हैं। इसलिए आपने कौन सा न्यूट्रिशन लिखा, मिक्सोटॉपिक। तो पूरे एनिमल किंगडम में, मतलब पूरा जितना भी फाइव किंगडम सिस्टम है, तीन तरह का न्यूट्रिशन है, होलोफिटिक और ये देखिए होलोजोइक, मिक्सोट्रॉपिक, तीन तरह के न्यूट्रिशन एक्सप्लेन किए गए हैं पूरे सिस्टम में। बेटा देखो मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ फूड इंजेशन का सेंस है, यहां पर हमें ये देखना है कि पूरे एनिमल किंगडम में कितने तरह के फूड हैं जिन्हें एनिमल्स खाते हैं। आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आपने एक नाम तो ये पढ़ा है, आप तुरंत बोलेंगे बिल्कुल सर हमने ये बात पढ़ी है। क्या आपने कभी ऑटोट्रॉफ्स पढ़ा है? सारे लोग जानते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो अगर आपको इसकी डिफिनेशन लिखनी होगी तो सिंपली आप ऐसे लिखेंगे, सर देखिए मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। ये देखिए जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो आप कहेंगे सर ये देखिए एग्जाम्पल्स जो है ये ग्रीन प्लांट्स का है। सारे लोग आप जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। दूसरा जो तरीका है एनिमल किंगडम में या पूरे एनिमल्स या प्लांट्स में खाने का, वो हेटरोट्रॉफ्स का है। हेटरोट्रॉफ्स अगर हिंदी बात किया जाए तो ऊपर वाले स्वपोषी हैं, ये परपोषी है। हेटरोट्रॉफ्स मतलब ये देखिए सीधे सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाए डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स, जो ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड होते हैं उन सब को हम लोग हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। ये देखिए डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स, जो भी ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड है उन सब को हम लोग हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया हम लोग हेटरोट्रॉफ्स बिल्कुल। इसके सिवा और क्या क्या तरीके हैं, इसके सिवा और क्या उसे खाने के तरीके हैं? कुछ एनिमल होते हैं जिन्हें हम लोग कैप्रोफेजी कहते हैं। देखिए ये भी एक तरीका है न्यूट्रिशन का, कैप्रोफेजी ये भी तरीका है न्यूट्रिशन का। अगर आप इस देखें तो देखिए ईट देयर फीसेस, ऐसे भी एनिमल्स हैं इस दुनिया में जो अपने फीसेस को दोबारा खा लेते हैं। ये देखिए ईट देयर फीसेस, अगर आपको एग्जाम्पल लिखना होगा तो ये देखिए देख रहे हैं तो बड़ा खूबसूरत एनिमल होता है रैबिट, लेकिन ये अपने फीसेस खाता है। ऐसा इसलिए होता है कि पहली बार जब फीसेस खाता है ग्रास को तो उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, दोबारा जब खाता है तो उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो जो अपने फीसेस के खाते हैं उन सारे एनिमल्स को हम लोग कैप्रोफेजी कहते हैं। इसके सिवा और भी खरीद तरीके हैं, कुछ एनिमल होते हैं जो फ्रुगीवोर्स होते हैं। फ्रुगीवोर्स ये कौन से भाई एनिमल्स हैं? फ्रुगीवोर्स मतलब हुआ सीधे लिखिए फ्रूट ईटिंग एनिमल्स, फ्रूट ईटिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो फ्रूट खाते हैं उन्हें फ्रुगीवोर्स कहते हैं। अपने आसपास ढेर सारे एनिमल्स को देखते हैं जो मुंह में फल को लगाए भाग के चले जाते हैं। अगर आप फल खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं तो आप भी अपने आप को इस कैटेगरी में रख सकते हैं। फ्रुगीवोर्स के बाद अगली जो कैटेगरी है एनिमल्स के खाने की, वो देखिए ये भी एनिमल्स होते हैं। इन एनिमल्स को हम लोग ग्रेनीवोर्स कहते हैं। ग्रेनीवोर्स मतलब ये हुआ ईट, ऐसे लिख सकते हैं ईट ग्रेन्स, ये दाने खाते हैं, मतलब जो दाने होते हैं उनको खाते हैं। बर्ड्स आती हैं इस केस में, कौन आता है? बर्ड्स आते हैं, ग्रेनीवोर्स। एक और एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम लोग फोलियोवोर्स कहते हैं। ये देखिए फोलियोवोर्स कौन से होते हैं भाई? ये फोलियोवोर्स होते हैं लीफ ईटिंग एनिमल्स, जो पत्तियां खाते हैं, जो पत्तियां खाते हैं उन्हें हम लोग फोलियोवोर्स कहते हैं। अब देखिए कैटेगरीज हैं,
अपना फूड बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड है, अपना फिशेस खाते हैं, फल खाते हैं, दाने खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए लोकस्ट। अभी देखिए पूरी दुनिया में परेशानी थी इसी कोरोना, उसमें COVID-19 के केस में लोकस्ट शो होते हैं, ये सब के सब फोलियो बोर्ड्स होते हैं। इसके सिवा और भी तरीके हैं, आपने पढ़ा होगा ये भी एनिमल्स हैं जिन्हें हम लोग सांगिवोरस कहते हैं। शायद आप पहले हमसे पहले बोलेंगे हाँ सर हमें जानकारी है कि सांगिवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं। तो मतलब अगर आपसे मैं कहूँ कि अरे सर सीधी लिखो ना यार, ये देखिए ये ब्लड सकिंग एनिमल्स हैं, ये ब्लड शक करते हैं, ब्लड सकिंग एनिमल्स हैं। अगर हम आपसे एग्जांपल पूछें तो आपके मन में सबसे पहले ये आएगी, कौन आएगी, देखिए लीच आएगी, फिर कौन आएगा, फीमेल मॉस्किटो आएगी। तो जो लोग ब्लड पीते हैं उन्हें सांगिवोरस कहा जाता है। क्या कहते हैं, सांगिवोरस कहते हैं। फल खा रही हैं, लीफ खा रही हैं, ग्रेन्स खा रही हैं, देखो ब्लड भी पीते हैं। और भी है, ये देखो ये एक एनिमल ये भी होता है, इसे हम लोग मर्मेकोफेगस कहते हैं। मर्मेकोफेगस मतलब ये हुआ, ये देखिए मर्मेकोफेगस मतलब हुआ एंट ईटिंग एनिमल्स। ये देखिए एंट ईटिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिन्हें जो चींटी खाते हैं। अगर हम एग्जांपल पूछे तो आप कहेंगे सर सीधा एग्जांपल लिखिए, ये एंट ईटर है, चींटी खोर। वो गाना सुना होगा, चंदा चमकी चमचम चीखी चौकुन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोर चीनी खोर। देखो मुझे आता है, चंदा चमके चमचम चीखी चौकुन्ना चोर, चींटी चाने चाटे चींटी चीनी चटोरी चीनी खोर। तो वो जैसे चीनी खोर है, ये क्या है, ये चींटी खोर है, चींटी खाता है। जब कोई एनिमल चींटी खाता है तो उसे मर्मेकोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्मेकोफेगस कहते हैं। और भी खाने के तरीके हैं, ये देखिए एक खाने का तरीका है जिसे हम लोग कैनिबलिज्म कहते हैं। ये देखिए कैनिबलिज्म, तो कैनिबलिज्म के बारे में अगर आप देखें तो एट ऐसे सिंधा में लिखे एट मेंबर्स ऑफ देयर स्पीसीज अपने ही जाति के सदस्यों को खाते हैं। ऐसे भी जीव हैं जो अपने ही जाति के सदस्यों को खाते हैं। तो जो अपनी जाति के सदस्यों को खाते हैं उन्हें हम लोग कैनिबलिज्म कहते हैं। उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, कैनिबलिज्म कहते हैं। देखो और भी होते हैं बेटा, ये नाम सुना होगा, ये तो आपको पता ही होगा, पैरासाइट होते हैं। ये पैरासाइट डिपेंड या लाइज ऑन बॉडी, लाइव ऑन होस्ट। आगे बॉडी में तमाम तरह के बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं जो आपकी बॉडी पे पैरासाइट है। कभी गाय भैंस को देखिए उसके ऊपर तमाम तरह के पैरासाइट दिखाई पड़ते हैं, तो उन्हें पैरासिटिक कहते हैं। ये भी मोड़ा न्यूट्रिशन है, सेफ्रोफिटिक होता है, शायद आपने सुना होगा। ये जो होते हैं सेफ्रोफिटिक, देखिए टेक देयर फूड फ्रॉम डेवरिस, गंदे चीजों से अपना खाना बनाते हैं। मशरूम को अगर आप देखिए तो मशरूम कहाँ उगता है, गंदी जगहों पे उगता है। तो ये पूरे तरीके हैं एनिमल किंगडम में खाने के। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना फूड बनाते हैं, हेटरोट्रॉफ्स जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, कैप्रोफेजी जो अपना ही फिशेस खाते हैं, फ्रुगिवोर्स जो फ्रूट खाते हैं, ग्रेनिवोर्स दाने खाते हैं, पत्ती खाते हैं फूलिवोर्स, ब्लड सक करते हैं सांगिवोर्स, मर्मेकोफेगस ईंट खाते हैं, चींटी खाते हैं, कैनिबलिज्म अपनी जात के सदस्यों को खाते हैं, पैरासाइट जो होस्ट के ऊपर रहते हैं, और सेप्रोफिटिक जो क्या करते हैं, डेब्रिस या सड़े हुई चीजों से अपना भोजन बनाते हैं। एक और तरीका है खाने का, ये देखिए प्रेडेशन का एक तरीका है। ये देखिए प्रेडेशन क्या होता है, देखिए कैप्चर एंड किल देखिए देयर फूड, जो उनका फूड होता है उसे कैप्चर करते हैं और फिर उसे किल कर देते हैं। आसान सा है, मुर्गा पकड़ते हैं गला ऐंठ के और मुर्गा खा जाते हैं, मतलब तल के खाते हैं। तो जब मुर्गा पकड़ के खाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, काट पीट के, तो उसे प्रेडेशन कहते हैं। लेकिन अगर किसी की बॉडी पे कोई रह रहा है तो उसे पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट अपने होस्ट को कभी नहीं मारता है, जबकि प्रेडेशन में जो फूड होता है उसे पहले पकड़ा जाता है फिर उसको मार दिया जाता है।
तो ये इतने तरीके हैं पूरे एनिमल किंगडम में जिनमें खाने के अलग अलग तरीके हैं। देख रहे हैं आपने ये लाइन से पूरे लगे हुए हैं। आइए हम आपको ट्रैक के बारे में बताते हैं। ये देखो बेटा, ये बॉडी प्लान से हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहला जो बॉडी प्लान होता है हमारे एनिमल किंगडम में, हम आपको इसी को अभी एनसीईआरटी से जोड़ देंगे। ये देखिए, पहला जो बॉडी प्लान होता है उसे सेल एग्रीगेट टाइप कहते हैं। सेल एग्रीगेट टाइप का बॉडी प्लान सबसे पहले पाया जाता है हमारे एनिमल किंगडम में। तो ये डाइजेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, अब ये भी बात समझ लीजिए। तो सेल एग्रीगेट माने हुआ कि देखिए, सेल्स, ये जो सेल्स होती हैं कंबाइन टुगेदर, ये देखिए कई सेल्स आपस में इकट्ठा हो जाती हैं और वो आपस मिलकर सेल एग्रीगेट का प्लान बनाती हैं। यहां पर कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं दिखाई पड़ती है। इस तरह के डाइजेशन में जो है इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है। अगर आप इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल जो फाइलम है वो पॉलीफेरा है। मतलब पॉलीफेरा में एक सेल है जो डाइजेशन का काम अकेले देखती है और वो सेल सारे काम, मतलब अकेले सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं है यहाँ। दूसरा जो बॉडी प्लान होता है वो ब्लाइंड शैक होता है, ब्लाइंड शैक। तो अगर आप देखें ब्लाइंड शैक का मतलब क्या हुआ, इस केस में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बनती तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इनकम्प्लीट होती है। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट का रिस्पेक्ट ये हुआ, अगर आप इस बात को सीखे, एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ कि इस तरह के एलिमेंट्री कैनाल में सिंगल ओपनिंग होती है, सिर्फ एक ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग होती है। ये देखिए, ये सिंगल ओपनिंग होती है और ये सिंगल ओपनिंग दो काम करती है, ये माउथ का भी काम करती है और ये एनस का भी काम करती है। मतलब बॉडी में सिर्फ एक ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल को लेके जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है। अगर इस फाइलम को देखा जाए कि किस फाइलम का ये कॉन्सेप्ट है, तो आप कहते हैं सर ये फाइलम है जिसे हम लोग सिलेंट्रेटा कहते हैं। सिलेंट्रेटा फाइलम में आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का कुछ ऐसा है। ये देखिए, ये सिर्फ एक, ये एक एनिमल है, ये इसका बॉडी का प्लान है। ये देखें आप, ये और इस में सिर्फ एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम लोग स्टोम कहते हैं। ये देखिए, अब आप समझें कि पॉलीफेरा में कोई एलिमेंट्री कैनाल जैसा स्ट्रक्चर ही नहीं है, सिलेंट्रेटा में पहली बार एलिमेंट्री कैनाल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, लेकिन ये जो ओपनिंग है इसी से फूड इनटेक भी कर रहा है और इसी से उसका फीसेस बाहर भी आ रहा है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा में देखते हैं। इस प्लांट सेल ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह का डाइजेशन होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर भी डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर भी डाइजेशन होता है, और दूसरा जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर भी होता है। इंट्रासेलुलर मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर डाइजेशन होता है। इस फाइलम में आपको दोनों डाइजेशन दिखाई पड़ेंगे, सेल के बाहर भी डाइजेशन दिखाई पड़ेगा, सेल के अंदर भी डाइजेशन दिखाई पड़ेगा। ब्लाइंड सेक के इस तरह के डाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग मिक्स्ड डाइजेशन कहते हैं। मिक्स्ड डाइजेशन का मतलब हुआ कि ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जहां पर एक ही ओपनिंग है जो माउथ एनस दोनों का काम कर रही है, जिससे फूड इंजेस्ट भी किया जा रहा है और उसी से फीसेस बाहर भी आ रहे हैं, ये लेस इफिशियंट है। यहां पर कुछ डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है, जो सेल के अंदर डाइजेशन होता है उसे इंट्रासेलुलर कहते हैं, कुछ डाइजेशन सेल के बाहर कैविटी में हो रहा है उसे एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। तो ये ब्लाइंड सैक मतलब ये हुआ, जैसे आप पन्नी लेके जाते हैं सब्जी में, मार्केट से सब्जी लेके, तो जिस तरफ से आप सब्जी को डालते हैं पन्नी में उसे निकाल भी लेते हैं। ब्लाइंड सैक मतलब सिर्फ बॉडी में एक ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल के रिस्पेक्ट में। हमारा जो बॉडी प्लान है, ह्यूमन का जो बॉडी प्लान है, इस बॉडी प्लान का नाम ट्यूब विद इन ट्यूब है। ये देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा मुझे लगता है कि आप तुरंत समझ जाएंगे ट्यूब विद इन ट्यूब है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में होता क्या है कि आप ये समझें कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। एलिमेंट्री कैनाल इस केस में कंप्लीट होती है, एलिमेंट्री कैनाल इस केस में
कंप्लीट होती है। कंप्लीट का सेंस ये हुआ, कंप्लीट का सेंस एक तरफ ये हुआ कि इसके एक तरफ माउथ होता है और दूसरी तरफ एनस होता है। अगर आप अपनी एलिमेंट्री कैनाल को देखें तो ये एलिमेंट्री कैनाल, ये देखिए जो आपका माउथ है, जो माउथ है आप कभी ध्यान से देखें तो ये वेंट्रल साइड में है। वेंट्रल साइड मतलब नीचे की तरफ है, माउथ जो है वेंट्रल साइड में है। लेकिन अगर आपसे पूछे एनस किधर है तो आप कहेंगे सर एनस जो है वो डॉर्सल साइड में है। जब किसी एलिमेंट्री कैनाल में दो ओपनिंग होते हैं तो उसे कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। अगर आप एनिमल को ऐसे कंसीडर करते हैं, इस तरह से ऐसे एनिमल को कंसीडर करते हैं तो ये देखिए ये एनिमल है, आपने इसकी एलिमेंट्री कैनाल ऐसे बना दी इस तरह से, और ये देखिए इधर आपने कहा सर देखिए ये माउथ है, आपने कहा सर ये माउथ है और ये क्या है एनस है। अब आप फर्क देखें, जब एक तरफ माउथ होगा एक तरफ एनस होगा, इस तरह के बड़े प्लांट को ट्यूब विद इन ट्यूब कहते हैं। और यहाँ पर जो डाइजेशन है वो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब ये हुआ कि एंजाइम्स जो हैं वो एंजाइम्स इसकी कैविटी में निकलेंगे। मतलब आप इसे समझें कि आप फूड जो ले रहे हैं, इसके अंदर जो फूड जा रहा है, इस फूड का डाइजेशन एंजाइम्स निकल रहे हैं और एंजाइम्स इसी कैविटी के अंदर, इंटेस्टाइन की जो कैविटी उसके अंदर डाइजेशन हो रहा है। तो इस तरह के डाइजेशन में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इस तरह के इंटेस्टाइन में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब डाइजेशन आउटसाइड ऑफ सेल, ये देखिए डाइजेशन आउटसाइड ऑफ सेल या डाइजेशन इन कैविटी ऑफ इंटेस्टाइन, ये लिख सकते हैं इन कैविटी ऑफ इंटेस्टाइन। तो अगर आप ह्यूमन में देखें तो जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। जबकि एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, ट्यूब इन ट्यूब है, ट्यूब इन ट्यूब मतलब एक तरफ माउथ है एक तरफ एनस है। तो पूरे एनिमल किंगडम में अगर आप देखें तो तीन तरह के बॉडी प्लान है। सेल एग्रीगेट में जो डाइजेशन है वो डाइजेशन इंट्रा सेलुलर है, पॉरीफेरा में। अब देखें यहाँ पर डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है इसलिए इस तरह के डाइजेशन को इंट्रा सेलुलर कह रहे हैं। ब्लाइंड सेक में एक ही ओपनिंग है जो माउथ एनस का काम कर रही है, यहाँ दोनों डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर, इसलिए आपने मिक्स डाइजेशन कहा। यहाँ पर देखें एक तरफ माउथ है दूसरी तरफ एनस है, इस केस में एक तरफ फूड खाया जा रहा है दूसरी तरफ पास हो रहा है, और यहाँ पर जो डाइजेशन हो रहा है इस कैविटी के अंदर हो रहा है। ये बात आप समझें कि एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी जिसमें एंजाइम सिक्रीट किए जा रहे हैं और एंजाइम सिक्रीट होने के बाद डाइजेशन इसी अंदर हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। तो अगर हम ह्यूमन में पूछे कि ह्यूमन के केस में जो मनुष्य है उसके केस में डाइजेशन किस तरह का है, तो आप कहेंगे सर ये डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। और यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल कंप्लीट है, और इसकी क्वाइलिंग्स जो है एलिमेंट्री कैनाल की वो सरफेस एरिया या एफिशिएंसी बढ़ा देती है। तो मेरे हिसाब से डाइजेशन दो तरह का हुआ, जो सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है वो इंट्रा सेलुलर हो रहा है, जो सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से होता है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन की इफिशियंसी कम है जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की इफिशियंसी काफी ज्यादा होती है। इसलिए मदर नेचर में ह्यूमन में ट्यूब विद इन ट्यूब का ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक तरफ एलिमेंट्री कैनाल और एक तरफ माउथ और एक तरफ एनस बनाया, और जो एंजाइम्स हैं वो कैविटी में जाके इंटेस्टाइन की कैविटी में जाके फूड का डाइजेशन कर रहे हैं, इसलिए जो मोड ऑफ डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ह्यूमन में है। इसलिए ह्यूमन की बॉडी काफी बड़ी है, नेचर ने ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान करके, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन प्लान करके, होमोजोइक न्यूट्रिशन प्लान करके ह्यूमन की इफिशियंसी को बढ़ा दिया। ये कहना चाहते हैं हम आपसे, ये सिखाना चाहते हैं आप, समझ के इस बात को आइए देखा जाए एलिमेंट्री कैनाल। देखिए ये ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम है। आप एनसीईआरटी से अगर आप समझें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो मनुष्य का है दो चीजों से बना है, एलिमेंट्री कैनाल से और डाइजेस्टिव ग्लैंड से। मतलब दो चीजें जो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती है, एक एलिमेंट्री कैनाल है दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसी यदि मिलाई एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग दूसरा भी नाम देते हैं, इसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। कौन सी ट्रैक्ट कहते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। अगर आप एलिमेंट्री कैनाल के नाम देखें इसमें कौन कौन से सिस्टम है, पहले देखिए माउथ है, दूसरा जो पार्ट है इसका वो है बक्कल कैविटी का,
माउथ के बाद जो पार्ट है उसे हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी के बाद जो दूसरा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, वो है फेरिंग्स का। आपने पढ़ा होगा ये कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर है। फेरिंग्स जो है आगे चल के ईसोफेगस में खुल जाता है। ये देखिए ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप कहते हैं। ये ईसोफेगस आगे चल के स्टमक में खुल जाता है। स्टमक वो जगह है जहां पर भोजन इकट्ठा होता है। स्टमक के पास का जो एरिया है वो इंटेस्टाइन का है। तो पहली जो इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर आप देखें स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज लंबाई तो लंबी है, बस इसका ल्यूमेन छोटा होता है। फिर सुन लें आप, स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमेन छोटा होता है जबकि टोटल लंबाई बड़ी होती है लार्ज कंपेरिजन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर आपको तीन पार्ट दिखाई पड़ेंगे। जो पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उस पार्ट को ड्यूडेनम कहते हैं। दूसरा पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उस पार्ट को हम लोग जेजुनम कहते हैं। तीसरा पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उस पार्ट को इलियम कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगर स्पेलिंग ILEUM है तो ये इंटेस्टाइन की पार्ट है, लेकिन अगर ये ILIUM है तो ये पेल्विक गर्डल जो है उसकी बोन है। ILI है तो बोन है, ILE है तो इंटेस्टाइन का पार्ट है। दूसरा जो इंटेस्टाइन है उस इंटेस्टाइन को हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन के फर्दर पार्ट आप देख लें। इलियम के बाद जो अगला पार्ट है वो पार्ट है सीकम। ये देखिए ये अगला जो पार्ट है सीकम है। नेक्स्ट पार्ट जो है उसे बेटा कोलन कहते हैं, और लास्ट पार्ट है इसका रेक्टम। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के बाद का जो पार्ट है उसे हम लोग एनस कहते हैं। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो है माउथ से शुरू होती है, एनस पे खत्म होती है। और इसमें देखिए पहले माउथ है, फिर बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। इस कोलन में फर्दर चार पार्ट है। आप ध्यान से देखिएगा ये कोलन जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसे एसेंडिंग कोलन कहते हैं। आपको ध्यान देना है जो कोलन ऊपर की तरफ जा रहा है उस कोलन को हम लोग एसेंडिंग कोलन कहते हैं। ये देखिए ये कोलन जो सीधे जा रहा है ऊपर, देखिए मैंने नाम लिखा है, इस कोलन को हम लोग ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। ये देखिए आप ये ट्रांसवर्स कोलन है जो नीचे की तरफ, देखिए इधर नीचे शिफ्ट हो रहा है, मैंने कहीं लिखा होगा, इस कोलन को हम लोग डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। ये डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। और लास्ट पार्ट है जिसे हम लोग पेल्विक कोलन कहते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी देखें तो एनसीईआरटी में यही फिगर बना है। आपको ये देखना है कि ये माउथ है, माउथ किस में खुला, फेरिंग्स में, बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी फेरिंग्स में, फिर ईसोफेगस स्टमक, देखिए मैंने एक तरफ से नाम लिख रखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट को ड्यूडेनम, इकोपॉइड पार्ट है जेजुनम, फिर एक छोटा सा नैरो पार्ट है इलियम, फिर शीकम है, ये एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और ये देखिए यहां से जब घूम जाता है इसे पेल्विक कोलन, और ये नीचे जो वाला पार्ट है ये रेक्टम, और लास्ट में जो पार्ट है उसे एनस कहते हैं। तो इतना तो पार्ट है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल या इसे हम लोग GIT कहते हैं। GIT का फुल फॉर्म हुआ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन की है, माउथ बंटल साइड में है, एनस डॉर्सल साइड में है, इसीलिए इसे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। अगर आप ग्लैंड्स की बात करें ह्यूमन में, ग्लैंड्स की बात करें तो पहली ग्लैंड है जिसे हम लोग सिलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ये सिलाइवरी ग्लैंड जो है माउथ में है, और ह्यूमन में ये सिलाइवरी ग्लैंड थ्री पेयर है। ये देखिए थ्री पेयर है, इससे एंजाइम्स भी निकलते हैं, एक्रीटरी ऑर्गन भी है, और इसमें एंटीबॉडी भी पाई जाती है। डिटेल पढ़ाऊंगा मैं आपको भी। दूसरा जो इसका पार्ट है सिलाइवरी ग्लैंड के बाद अगर आप देखें तो दूसरा जो पार्ट है वो है लीवर। मैं आपको बता दूं कि लीवर का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि लीवर का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, क्योंकि लीवर से कोई एंजाइम नहीं निकलता है। लीवर से बाइल जूस निकलता है जो गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेट करता है। तो ये देखिए गॉल ब्लैडर है, इस गॉल ब्लैडर से में जो बाइल जूस है वो कंसंट्रेट करता है। अगर आप किसी का गॉल ब्लैडर कट करके निकाल दें तो उसके डाइजेशन की फिजियोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लीवर जो बाइल जूस निकालता है उससे फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेट होता है। अगर गॉल ब्लैडर हटा भी देते हैं तो व्यक्ति के सर्वाइवल पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर एक नाम और होता है, आपने कभी पढ़ा होगा, इस नाम को हम लोग वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में दो पार्ट है जिनको निकाल देने से कोई असर फिजियोलॉजी पर नहीं पड़ता है। वो जो पार्ट है, एक पार्ट है
वर्मीफॉर्मेंडिक्स, दूसरा पार्ट है गॉल ब्लैडर। इसके सिवा और भी तमाम तरह की ग्लैंड्स हैं, जैसे आप ये देखिए एक ग्लैंड जिसका नाम पेंक्रियास है, ये पेंक्रियास मिक्स ग्लैंड है। तो इस पेंक्रियास का जो पेंक्रियाटिक इसनी वाला पार्ट है जिससे एंजाइम्स निकलते हैं, वो पार्ट डाइजेशन में हेल्प करता है। ये देखिए तो अब आपके सामने फिगर है, आप ध्यान रखना है लीवर जो है स्यूडो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इसका इससे कोई एंजाइम नहीं निकलता है। तो आप कंफर्म कर ले, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलन, रेक्टम, कोलन के चार पार्ट है, एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, पेल्विक कोलन और अंत में ये एनस। इस पूरे इंटेस्टाइन की जो ओरिजिन है, अब आप देखें इक्टोडर्म से भी है और इंटोडर्म से भी है, मतलब जो जर्म लेयर्स होती है उन्हीं जर्म लेयर से इस इंटेस्टाइन की दो ओरिजिन है। कुछ एरिया है जिसके ओरिजिन इक्टोडर्म से है, कुछ एरिया है जिसके ओरिजिन इंटोडर्म से है। जैसे एलिमेंट्री कैनाल के शुरुआती पार्ट की ओरिजिन इक्टोडर्म से है, लास्ट का पार्ट इक्टोडर्म से ओरिजिन है, बीच का पूरा पार्ट इंटोडर्म से है। मतलब ये आगे जो पैलेट है जिसकी रूफ है माउथ की बकल कैविटी की, आगे वाली जो रफ पैलेट है उसकी ओरिजिन इक्टोडर्म से है। एनल कैनाल की ओरिजिन इक्टोडर्म से है, लेकिन उसके बाद बचे हुए पूरी इंटेस्टाइन की ओरिजिन इंटोडर्म से होती है। आज आपको ये बात याद रखना है कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से बना है, एलिमेंट्री कैनाल से, डाइजेस्टिव ग्लैंड से। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट सीकम, कोलन, रेक्टम। कोलन के चार पार्ट, एसेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और पेल्विक कोलन। ग्लैंड्स में देखिए सलाइवरी ग्लैंड से तीन जोड़ी ह्यूमन में, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियास है, इसको छोड़कर भी ढेर सारी ग्लैंड्स हैं। ज्यादातर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं ह्यूमन में वो एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकोशा में पड़ी होती है। कहाँ पड़ी होती है? मेगोशा में पड़ी होती है। अब हम लोग एक एक सिस्टम इसका पढ़ते हैं, समझते हैं कि इन सब लोग मिलके, देखिए ये सब आर्गन्स हैं और आर्गन्स मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? सिस्टम का। अब हम एक एक आर्गन को पढ़ेंगे और इस सिस्टम को समझेंगे। ये सिस्टम डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन के लिए एप्लीकेबल है, इंटीग्रेटेड है। हम एक एक आर्गन पढ़ के इस सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न या किसका